संसद में क्यों रोने लगी थी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी ने क्यों स्पीकर पर फेंके थे पर्चे, किस बात पर ममता को लोकसभा में आया गुस्सा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कौन नहीं जानता। ममता के तीखे तेवर और कट्टर अंदाज उनकी पहचान है। विरोधियों को कड़े शब्दों में जवाब देना उनकी आदत में शामिल है। वो एक ऐसी नेता है जो किसी से नहीं डरती। सिंघनी की तरह दहाड़ने वाली महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ऐसे में ये कोई कैसे सोच सकता है कि ममता बनर्जी भी कभी रो सकती हैं, लेकिन ये हुआ है करीब 18 साल पहले। इस किस्से को आज भी याद किया जाता है। ये किस्सा है 4 अगस्त 2005 का, जब संसद में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की जगह उस वक्त कुर्सी पर डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल थे। नोटिस को स्पीकर ने खारिज कर दिया था। इस बात की जानकारी अटवाल ने ही ममता बनर्जी को दी थी। इजाजत नहीं मिली, लेकिन ममता ने बोलना नहीं रोका, हंगामा खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी अचानक वेल की तरफ बढ़ गईं। इसके बाद ममता ने अपने हाथ के पेपर्स को स्पीकर की तरफ फेंक दिया और इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। ममता बनर्जी को इस तरह देख लोग हैरान थे। स्पीकर पर कागज फेंकने के बाद जब वो अपनी सीट पर लौटने लगी तो लोगों ने उन्हें रोते हुए भी देखा था। यूपीए की सरकार में उस वक्त ममता एनडीए के साथ हुआ करती थी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को शामिल कर लिया गया है और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा का होना बेहद जरूरी है। अटवाल ने बताया कि सत्र शुरू होते ही इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस पर ममता का जवाब था कि मेरा सदन का सदस्य होना इस बात का अधिकार देता है कि मैं जनता से जुड़े मुद्दों को यहाँ उठाऊं। ममता बनर्जी के उस वक्त सदन के भीतर व्यवहार पर वाम दलों और कांग्रेस के सांसदों ने काफी आलोचना की। स्पीकर की वेल में जाने से पहले ममता बनर्जी की बहस कुछ वाम दलों के नेताओं के साथ हुई थी, जिसके बाद ममता कुर्सी की ओर बढ़ी। हंगामे की वजह से सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। उन्होंने स्पीकर पर राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का आरोप भी लगाया, लेकिन इसे कार्यवाही से हटा दिया गया। कहा जाता है कि पेपर फेंकने की घटना के बाद जब समाजवादी पार्टी की सदस्य जया प्रदा उनके पास पहुंची तो उन्हें अपनी सीट पर रोते हुए देखा। संसद के बाहर आकर भी ममता ने सभी से यही कहा कि मैंने जनता के मुद्दे संसद में उठाने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया है। बांग्लादेश के अवैध प्रवासी पश्चिम बंगाल में वोटर भी हैं और राज्य सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।